यहाँ के रेंट तो आसमान को छू रहे हैं। इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो इतनी स्मार्ट बनती है, उसे इतना नहीं पता किसी अनसेफ जगह पे बैठना नहीं चाहिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो अब मेरी यहाँ रहने से भी आपको प्रॉब्लम है? ये आपके कॉलेज की प्रॉपर्टी है? रहो यहीं पे, रहो अपना घर बसा लो यहाँ पे, मुझे क्या? फिलहाल तो यही मेरा घर है। वैसे मेरे घर में आपका स्वागत है, एक कप चाय पियेंगे? वो क्या है ना कि हमारे रामटेक में मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उनकी इंसल्टिंग करते और उन्हें भगाते तो बिल्कुल भी नहीं। भाव एक कप चाय देना। नहीं रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। तो मुझे इतनी सारी संभावनाएं बता रही थी ना कि मैं ये नहीं करता तो वो नहीं होता। अब मैं तुम्हें संभावनाएं गिनाता हूँ कि तुम क्या क्या नहीं करती तो क्या गड़बड़ नहीं होती। सबसे पहली बात, तुम्हें मेरे कैबिन में बिना परमिशन सोना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, साइड टेबल पे तुम्हें बप्पा रख के भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर तुम नहीं भूलती तो तुम वापस ही नहीं आती। तीसरी बात, जब बप्पा को तुम उठा रही थी तो तभी तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम लापरवाही नहीं करती तो कॉफी मेरे लैपटॉप पे नहीं गिरती। तो सारी संभावनाएं घूम फिर के यही बताती हैं कि गलती तुम्हारी थी। एक और संभावना सर, अगर आपने गुस्से में मेरा बैग ऐसे बाहर ना फेंका होता, मुझे ऐसे भगाया ना होता, तो मैं बप्पा आपके केबिन में भूलती ही नहीं। तो गलती आपकी है। माय गॉड, चाबी और मोबाइल दोनों अंदर रह गए, अब कैसे खोलूं? क्या करूं अभी? कोई हेल्प चाहिए सर? तुम्हारी हेल्प? तुम्हें ना मैंने सिर्फ चीजें तोड़ते देखा है। पहले मेरी गाड़ी का कांच, फिर मेरा लैपटॉप, अब इस गाड़ी को कचूमर करने का इरादा तुम्हारा? नो थैंक यू। आपकी मर्जी। रिक्शा, ऑटो। रिक्शा कोई तैयार नहीं है सर। खुल जा सिम से। किसी के प्यार में सोमवार से रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।